हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास, कोरोना को धोना है दिल्ली के धाकड़। जी हाँ, इस खास पेशकश में हमारे साथ आया है दिल्ली का पॉपुलर रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, और हम मिलकर सलाम करते हैं उन्हें जो कोरोना संकट काल में अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगी की सुरक्षा करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। हमारे साथ मौजूद है बिग एफएम के मशहूर रेडियो जॉकी खुराफाती नितिन और आरजे जस्सी। बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। तो खुराफाती नितिन, अब एबीपी न्यूज और बिग एफएम ने क्योंकि मुहिम छेड़ दी है कोरोना को धोना है, तो कोरोना अब धुल ही जाएगा, क्यों नितिन? बिल्कुल धुल जाएगा, और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक बात की। फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हमारे हैं, उनका काम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसको हमें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी, जितने भी न्यूज़ चैनल के जितने रिपोर्टर्स हैं, आप लोग भी बाहर जा रहे हैं और लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यू आर ऑल्सो फ्रंटलाइन वॉरियर, सो दिस वॉज जस्ट अ वे ऑफ थैंकिंग एवरीवन। और दिल्ली को ये बताने की बहुत ज़रूरत थी, पूरे इंडिया को बताने की बहुत ज़रूरत थी कि जितने भी लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिसमैन हैं, आर्म फोर्सेज के लोग हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, इनको प्लीज़ थोड़ा इज्जत से देखें। और ये सिर्फ कोरोना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसके बाद भी जब कोरोना का खतरा टल जाएगा, वी नीड टू स्टार्ट अप्लॉडिंग देयर वर्क, क्योंकि ये हमारे लिए जो कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। जस्सी, सलाम उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जो इस समय आगे आ रहे हैं और हमें कोरोना से लड़ने में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल यही कहूंगी कि ऐसी पहल मतलब हर इंसान को इस वक्त करनी चाहिए, ना सिर्फ एबीपी न्यूज और बिग एफएम को, बल्कि हर इंसान को इन दिल्ली के धाकड़ों को, इंडिया के धाकड़ों को थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर में सुरक्षित हैं तो केवल इसलिए क्योंकि इतने सारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ धाकड़ जो बाहर की तरफ दिख जाते हैं ना, उनको तो हम थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन इतने धाकड़ जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, मतलब आप आरजे को बोल देंगे थैंक यू, प्रोड्यूसर को नहीं बोल पाएंगे। तो ये इसीलिए ये मुहिम शुरू करी है दिल्ली के धाकड़, के कोई धाकड़ ऐसा ना हो जिसका एफर्ट जो है वो दिल्ली वालों तक ना पहुंचे। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम तो इन धाकड़ों की स्टोरी रेडियो पर ला रहे हैं और अब आपसे जुड़ गए, आपके लिए कोरोना को धोने का क्या मतलब है? मैं आपको बताऊं जस्सी और नितिन, की शुरुआत से जब ये कोरोना वायरस का अटैक शुरू हुआ था, तभी से एबीपी न्यूज ने ये मुहिम चला दी थी कोरोना को धोना है, और आज इसी मुहिम में हम आपके साथ शामिल हुए हैं। तो चलिए, घर में बैठे या घर से बाहर अपनी ड्यूटी पर डटे हर धाकड़ को हम सलाम करते हैं और देखते हैं एबीपी न्यूज और 92.7 बिग एफएम की ये खास पेशकश, दिल्ली के धाकड़ जो कह रहे हैं कुछ भी हो पर अब कोरोना को धोना है। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं खुर्रा बद्रुद्दीन, तो मेरे साथ चिपक के बैठो मेरी जान, क्योंकि सारे फेवरेट गाने सुनेंगे आपका सिर्फ यहां। है सारा जहां जब हो गए हैं खामोश रास्ते, यहाँ दुनिया को लग गई है किसकी नजर, बस जल्द ही खत्म हो ये सिलसिला, फिर से लौट आए वही जिंदगी, बस एक ही दुआ में है सारा जहां। घर में बैठ तूने भी तो साथ दिया, और कोई है जो तेरे लिए बाहर खड़ा, तेरा देश प्रेम है, कोई घर पर तो कोई बाहर है, अपनी ही तरह से सब साथ दे रहे, मान लो तुम जान लो तुम, ऐसे मुश्किल से मैंने सबका साथ चाहिए, हर जिंदगी है जरूरी, हर दिल में बस यही जज्बात चाहिए, कोरोना को धोना है दिल्ली के धाकड़, छींक रोके साफ कपड़े, हाथ ना पकड़े वायरस तुझको, ना ये जकड़े रोज ना तुझे ब्रेक इनको।
फॉलो करके देख, एडवाइजरी से तू ना भाग, ब्रेक द चेन बस एक राग।